नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वैसे छात्र छात्राएं जो बीए बीएससी बीकॉम में हैं और उनका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि अगर आप जितना भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं भाई, कितनी भी आपकी अच्छी तैयारी है, लेकिन आप एग्ज़ाम में कॉपी अच्छा से नहीं लिखोगे तो आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। आपको सब चीज़ आती है भाई, सब चीज़ आती है, आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, और आप अगर एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे अच्छा से तो आपको क्या है, नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे। और यही कारण होता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे स्टूडेंट को जो है नंबर अच्छा नहीं आ पाता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर कॉपी लिखने में किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे कॉपी लिखने पर हमारी और वीडियो जाएगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में कॉपी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिल पाए, यानी अच्छा से लिखना, ठीक ना। क्योंकि कॉपी तो सब लिखते हैं भाई, क्वेश्चन का तो आंसर सब लिखते हैं, लेकिन वही जो अच्छा से लिखते हैं उन्हीं को अच्छा नंबर आता है। आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण बातों पर हम जो है चर्चा डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको सब चीज़ समझ में आएंगे। चलिए हम आपको बता रहे हैं आखिर किन किन बातों का जो है आपको ध्यान देना है। सबसे पहला बात, हैंड राइटिंग। देखिए हैंड राइटिंग हमने यहाँ पर लिया है, हैंड राइटिंग। अब बात ये रहती है कि हैंड राइटिंग आपका अच्छा नहीं बनता है या अच्छा बनता है। देखिए ये नहीं होती है कि आपको बहुत ही अच्छा बनता है तो बहुत अच्छा है, और जिसका हैंडराइटिंग बहुत ख़राब बनता है वो बेकार है, बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आपका अच्छा हैंडराइटिंग बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं बनता है तो आपको थोड़ा सा तो परेशानी है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके बाद आप वैसे ही लिख पाओगे, वैसे ही नंबर उठा पाओगे जितना नंबर की अच्छा जिसका हैंडराइटिंग बन रहे हैं उनका, ठीक ना, उन जैसा, ठीक ना। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए हैंडराइटिंग जो भी आपका बन रहा है, आप कोशिश करना कि आप जो लिखे हो भाई, आप जो लिखे हो ना वो दूसरा आदमी पढ़ पाए और आसानी से पढ़ पाए, बस इतना काम आपको कर देना है। और जितना अच्छा हो सके आप लिखने की कोशिश करना, बस इतना काम कर देना है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लिखने के बाद दूसरा आदमी उनका जो है अक्षर पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये क है कि ल है भाई, इस प्रकार से वो लिखते हैं, तो मतलब उनका अक्षर नहीं पहचान पाते हैं तो फिर कैसे होगा काम। यानी ऐसे लिखना है अगर आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो कि दूसरा आदमी पढ़ पाए, ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। और तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो बस इतना आपको करना है कि आप कोशिश करना कि अच्छा लिखें, और दूसरा पॉइंट कि आपका है जो है अक्षर दूसरा आदमी पढ़ पाए और आराम से पढ़ पाए, ऐसा नहीं कि कॉल बोले तो फिर नहीं हुआ, तो फिर आपको नंबर अच्छा नहीं मिल सकता है, ठीक है। बस इतना काम जो कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल बातें जो आप हम बता रहे हैं, आप भी जानते हैं कैसे हमको लिखना है। अब बात रहती है दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, वो है कि सभी क्वेश्चंस को लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक समझना, हम टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियोज लाएंगे कि आखिर बहुत कम समय में, क्योंकि आपके पास दो तीन अढ़ाई तीन घंटा रहते हैं और उसी अढ़ाई तीन घंटा में आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इस पर हमारी एक स्पेशल वीडियो जाएगी जिससे आप पूरा क्वेश्चन को लिख पाओगे। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टिप है, आप जिसको टिप से ही बोल सकते हैं, कि सभी क्वेश्चन को लिखें। ये क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुए तीने को क्वेश्चन में उनका समय ही नहीं बच पाता है, तो टाइम मैनेजमेंट पर हमारी वीडियो जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इनका यही दूसरा टिप्स है कि आपको सभी क्वेश्चंस को लिखना है, अगर आप सभी क्वेश्चंस को लिखेंगे तो ही आपको अच्छा नंबर आ पाएगी, ठीक है। ये तो आपको कॉपी में लिखने वाली बात होगी कि सभी क्वेश्चंस को लिखे जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग सभी क्वेश्चंस को लिख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए आपके पास कम समय है, एक घंटा समय है और आपके पास तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो भाई तीनों क्वेश्चन को लिखना है, ना कि दुए क्वेश्चन को बहुत लंबे लंबे पेज में लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन का मतलब कि मार्क आपको दो नंबर मिलेंगे और
इस प्रकार से तीन को छः मिलेंगे। और अगर आपने एगो को लिखा ही नहीं और एगो में आपको मान लिए दो दे दिए, एगो में आपने बहुत ही ज़्यादा लिख लिया उसमें तीन दे दिए, तो तीन दो पाँचे होगा। लेकिन अगर आपने तीनों को लिखेंगे तो छः मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को जो है लिखना है, इतना तो बात आप जानते ही हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं आगे आगे क्या करना है। तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश, नहीं समझे हम आपको बताते हैं। जैसे कि आर्ट वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, वो लिखते हैं, मान लीजिए वो लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ गया जिससे कि मान लेते हम कि आम आ गया, मान लेते हम आम है कोई वर्ड, और ये हिंदी में हमने लिखा, हिंदी में ही लिखे, तो हिंदी का अगर आपको इंग्लिश आती है, वो जो मेन पॉइंट्स है मैंगो मान लीजिए इसका होता है, तो इसी प्रकार से आप अगर बीच बीच में किसी मेन टॉपिक का हिंदी का अगर अंग्रेजी अगर आप लिख देते हैं तो उससे आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव लगता है और उसमें आपको नंबर से ज़्यादा मिलने की संभावनाएँ रहती है, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ये बात आप जरूर ध्यान देना कि अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक्स है जहाँ पर आपने लिखा कोनो चीज़ उन उसका जो है अगर आपको हिंदी मतलब कि अंग्रेजी आ रही है तो आप उसका जो है अंग्रेजी कुछ इस प्रकार से, जैसे आम लिखा उसी का कोस्ट ऐसे देकर मैंगो यहाँ पर लिख दी, मतलब कोनो वर्ड है मान लो यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, कोशिश करना है, ठीक है। अगला जो हमारा जो चौथा हमने बताया है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई टॉपिक हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम किसी टॉपिक के बारे में मैंगो ने लिखा तो मैंगो ही हम यहाँ पर भी लिखते हैं, तो मैंगो के बारे में लिखना है तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। या बीच में हमारे जैसे मैंगो हुआ, जैसे कि कोनो मतलब कि क्वेश्चन का आंसर है कि ये होता है, तो जहाँ पर ये होता है मतलब कि ये मैंगो का आंसर लिखने के बाद लास्ट में नहीं होता है कि मैंगो कहते हैं या मैंगो होता है, तो फिर इसके भी इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है। ये करने से क्या होता है कि जो आपका कॉपी चेक करेंगे उसका नज़र यहाँ पर आएगा और ये समझ जाएगा कि ये आपने आंसर इसका लिखा हुआ है, ठीक है, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। इतना ध्यानपूर्वक आप समझ रहे हैं बातों को, ऐसे ही आपको लिखना है। आगे का जो पॉइंट्स है वो हमको आपको हम जो है बता रहे हैं वो है कि क्वेश्चंस कैसे लिखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आखिर क्वेश्चंस कैसे लिखें। तो क्वेश्चंस कैसे लिखें ये ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस आ गया आपके सामने, ठीक है, मान लेते हमने कि कोई ऐसा क्वेश्चंस आ गया जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, 5 नंबर का है या 10 नंबर का है या जो भी है या 20 नंबर का है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा तो ही आप समझ पाइए। जैसे कि मान लीजिए ये कोनो क्वेश्चंस है, ठीक है, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ये मान लीजिए कोनो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस का हम आंसर लिख रहे हैं। आपको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चंस को आंसर तीन टाइप से लिखिएगा, क्या क्या, पहला लिखिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होती है भाई, इंट्रोडक्शन वो होती है जो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक ना, जो उनके बारे में मेन टॉपिक्स हैं, मेन बातें हैं, मतलब कि नहीं होता है जैसे कि सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो आप लिख दें वहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, मतलब हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं सर्वनाम ही, तो जो भी आपका क्वेश्चन हो उसके बारे में जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो कितने से कितने ईस्वी के बीच हुई है, उनका क्या नाम है, वो चीज़ आप फर्स्ट लाइन में आप 1, 2, 3, 4 लाइन में आप उसे लिख दीजिएगा। ये हो गया उनके बारे में इंट्रोडक्शन, नहीं कहते इंट्रोडक्शन भाई, मतलब आप अपने बारे में बताओ, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दिए, 3, 4, 5 जितना हो सके लाइन आप अपना लिख दिए, यही आपको नंबर लाती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी उनके बारे में जो कुछ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उनको आपको लिखना है कि आखिर, और ये सबसे लंबी चौड़ी में आपको लिखना है। अगर जो चीज़ उसमें पूछा जा रहा है उनको आप मिला मिला के ठीक है, उनके बारे में शुरू से लेकर अंत कर दो, और जो कुछ भी उनके बारे में जानते हो भाई वो आप क्वेश्चंस में डाल दो आंसर में, ठीक है, पूरे डाल देना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको आंसर को लंबी करनी होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम में, खास करके बीए में, आपको जितना लंबी क्वेश्चन जितना पेज आप लिखते हैं उतना नंबर आपको ज़्यादा आने की संभावनाएं जो है रहती है। इसलिए इसी में बेसिक मतलब कि बेसिक उनके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं बीच में वो आपको भर देना है भाई, आराम से भर देना है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट आती है कंक्लूजन, लास्ट में ये आपको लिखना है, यानी निष्कर्ष, जो आप उनके बारे में समझे, जो उनका निष्कर्ष निकला उन क्वेश्चंस का, ठीक है, वो आपको
थोड़ा सा 3-4 लाइनों में, 2 से 3 लाइन या 4 लाइन 5 लाइन आप वहां पर डाल देना है, बस इतना काम कर देना है। इन कंक्लूजन आपको निष्कर्ष जरूर डालना है थोड़ा सा कि उनके बारे में आप क्या समझे, उससे कोनो कहानी होती है उसका मतलब क्या आपने उनसे सीखा, ये तो जो भी आप उन क्वेश्चन से सीखें जो आपने आंसर में लिखा कि ये हुआ ये ऐसा हुआ, तो उनके उनसे आप जो कुछ भी सीखे हैं वो आपको जो है निष्कर्ष में लास्ट में 2 से 2.5 लाइन 3 लाइन में आप लिख देना है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान दें एक बात और कि इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है, जैसे कि नहीं होता पैराग्राफ इस प्रकार से, जैसे कि हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर इसको थोड़ा छोड़ दिए एक लाइन, और फिर आगे से यहाँ पर अपना लिख दिए इस प्रकार से, फिर आपको जो है बेसिक मतलब जो बेसिक वाला जो बात उनका हुआ आपने उनके बारे में लिखा क्वेश्चन के बारे में, फिर थोड़ा सा लिखने के बाद आपको जो है उनका निष्कर्ष आपने लिख दिया। बस यही 3 काम आपको करना है किसी भी क्वेश्चन को लिखने में, आपको इतनी अच्छी नंबर आएगी कि जितनी अच्छी आपने सोचा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट होती है हमारी कि कितने पेज में जो है क्वेश्चंस को लिखें, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि कितने पेज में आंसर लिखें। अब देखिए आंसर लिखने का ये आपके क्वेश्चंस कितने मार्क के हैं इस पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि आखिर कितने पेज के कितने मार्क्स के लिए कितने पेज चाहिए, कम से कम आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे यही इम्पोर्टेंट होती है कि जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको नंबर्स मिलने की संभावनाएं रहती है, ये यहाँ पर होती है। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि केवल पेज जो है पेज गिनते हैं, पेज आपने जितना लिखा भाई पेज गिन लिया उतना नंबर आपको बैठा दिए, ये भी कई बार देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। खास करके LNU में तो ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हमने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने आपको काम किया है, तो बहुत देखा गया है कि केवल पेज उल्टाने के बाद उसको नंबर बैठाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर कितने मार्क्स के लिए कितने पेज लिखना आवश्यक होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहे हैं, जैसे कि कोई आंसर कोई क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क के कोई क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 2 पेज आपको लिखनी चाहिए। कम से कम कितने पेज? 2 पेज। कम से कम 5 मार्क के लिए 2 पेज आप लिखते हैं, कम से कम 2 से 2.5-3 पेज अगर आपने लिखा तो आपको अच्छा खासा नंबर आने की संभावनाएं रहती है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तब तो बहुत ही अच्छा आपको मिलेंगे नंबर, ठीक ना, जितना कि टॉपर को मिलते हैं। जैसे 4-5 पेज अगर आप 6-7 पेज लिखते हैं 2 मार्क के लिए आपको बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 पेज से अगर कम लिखते हो तो बिल्कुल कम नंबर मिलेगा, इतना कम कि आप हम बता नहीं सकते। हम आपको कम से कम बता रहे हैं कि 2 पेज आपको लिखना ही है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपको समय नहीं बचे फिर भी आपको 2 पेज लिखना ही लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का है तो सेम इसी का 4 कर लो, तो 4 पेज कम से कम आपको लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपको बता ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सको उतना अच्छा रहेगा। अगर वही क्वेश्चन अगर 20 मार्क का है मान लेते हैं, तो 20 मार्क के लिए कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सको, ठीक है, कम से कम हमने आपको बताया 8 पेज आपको लिखना है। ज़्यादा जितना भी लिखोगे आपको नंबर मिलेगा। ध्यान रहे सभी क्वेश्चंस को जवाब देना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चंस को 8 पेज या 4 पेज लिखने की वजह से एक ही क्वेश्चंस में आपका समय बर्बाद हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट पर नेक्स्ट वीडियो जाएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा और सभी क्वेश्चन जिससे आप आराम से लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। आप देखे होंगे अगर आपने 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया ही होगा तो आप देखे होंगे कि आपके पास 10वीं 12वीं में जब समय नहीं बचते हैं तो भाई इतने पेज लिखने वाले एग्जाम में आपका नंबर समय कैसे बचेंगे, नहीं बच पाते हैं, किसी को नहीं बच पाते हैं, जबकि लगातार लिखते हैं भाई, सबका उंगली दर्द करने लगता है, खास करके खुद मेरा भी उंगली दर्द करने लगा था, तो आपकी बात हम क्या करें, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट वीडियो जाएगी, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट कीजिएगा कि आगे आने वाले वीडियो किस पर चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।